हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप लोगों ने स्टार्टिंग में स्टेटस वीडियो का प्रीव्यू देख ही लिया है। इस टाइप की वायरल लिरिक्स वीडियो एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। ऑल राइट, सो गाइज, आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में प्रीव्यू देख ही लिया है। ऐसा वीडियो एडिट करना सिखाने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को पूरा कंटिन्यू लास्ट तक देखना। सबसे पहले अलाइट मोशन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना और ओपन कर लेना, या फिर मुझे वीडियो में कमेंट कर लेना, मैं बता दूंगा कि कहाँ से मिलेगी। मैं जो अलाइट मोशन एपीके यूज करता हूँ ये वाली एप्लीकेशन। तो अलाइट मोशन खुलने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलने वाला है, आपको वेट करना है। उसके बाद प्लस पर टैप करना है और यहाँ से 9:16 का रेशो लेने के बाद, बैकग्राउंड कलर ब्लैक लेने के बाद यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप कर देना। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ये वाला रेशियो खुल जाएगा। इस वीडियो को बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज करूँगा सबका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को, तो एक एक करके डाउनलोड कर लेना। फॉन्ट वगैरह, वीडियो क्लिप, सॉन्ग जो भी यूज करता हो सबका लिंक दे दूंगा। सबसे पहले आप लोग को इधर वीडियो क्लिप ऐड कर ले होंगे, तो वीडियो क्लिप आप लोग पिंटरेस्ट ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग को दे दूंगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। सिंपली सबसे पहले प्लस पर क्लिक करना, मीडिया पर क्लिक कर देना और यहाँ से वो वाले वीडियो क्लिप्स आप लोग को ऐड कर लेने। तो मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद ऊपर प्लस पर टैप कर देना आप लोग को, तो कुछ इस टाइप से ऐड हो जाएंगे, देख सकते हो। उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर सॉन्ग ऐड कर लेता हूँ। प्लस पर टैप करता हूँ, ऑडियो पे जाता हूँ और यहाँ से सॉन्ग ले लेता हूँ। ये वाला सॉन्ग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ऐड कर लेना। उसके बाद आप लोग को क्या कर लेना, वीडियो क्लिप है आप लोग इसको कट कर सकते हो, इधर पीछे से कट कर लेना, जितना भी रखना चाहते हो। वीडियो के अंदर आप लोग को म्यूजिक मिलेगा, तो उसको यहाँ से आप लोग हर एक वीडियो का यहाँ से आप लोग को म्यूट कर देना होगा, ताकि हमारी वॉइस के अंदर ये वाला वॉइस आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद आप लोग को हर एक वीडियो के अंदर से म्यूट कर लेना। ये देख सकते हो बड़ा है काफ़ी ज़्यादा, तो आप लोग इसको कट कर लेना। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए इस तरीके से रखा है इसको। तो इन सभी के अंदर से आप लोग को सिंपली वॉइस को म्यूट कर देना होगा। इतना कर लेने बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको बताने के लिए आप लोग को थोड़ा सा इसको कट कर देता हूँ, मतलब कि यहाँ से पीछे से कट कर लेना। उसके बाद इस वाले पे ऊपर में क्लिक करना, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, ये आगे आ जाएगा। उसके बाद इसको भी जहाँ से रखना है वहाँ तक रखना और पीछे से कट कर लेना। उसके बाद देख लेना पहले आप लोगों ने यहाँ से वॉइस डाउन की एक नहीं की है इसकी। उसके बाद इसके अंदर एक इफेक्ट ऐड करना होगा, तो इसके ऊपर में जाना, इफेक्ट में जाना, एड इफेक्ट के अंदर चले जाना, फेड इन आउट का इफेक्ट लेना आप लोग को, इनके ऊपर में क्लिक करना, 0.30 कर लेना। आउट के ऊपर में क्लिक करना, इसको भी 0.30 कर लेना। उसके बाद यहाँ से इफेक्ट में जाना, फिर से यहाँ से 3 डॉट पर जाके कॉपी इफेक्ट कर लेना और अपने जितने भी वीडियो क्लिप ऐड किए उसके अंदर ये कर लेना। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो ये आएगा, मतलब कि ऐसे ख़त्म होगा। तो सबके अंदर इफेक्ट में जाना, 3 डॉट पे जाना और पेस्ट इफेक्ट कर लेना। आप लोग जितने भी ऐड करोगे तो कट करके वो ऐड कर लेना आप लोग अपने अकॉर्डिंग। मैंने बताने के लिए इतना ही ऐड किया आप लोगों को, जितना भी आप लोग रखना चाहते हो। उसके बाद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल प्रोजेक्ट मिल ही जाएगा, तो आप लोग को बनाने में आसानी हो जाएगी। प्लस पर टैप करना और यहाँ से डबल ए पर टैप करना और यहाँ से फर्स्ट लिरिक्स टाइप कर लेनी होगी। तो इस टाइप से आप लोग को टाइप कर लेनी, ऊपर यहाँ पर टैप करना, इसको सेंटर में कर देना, कलर पर टैप करना, वाइट कलर सेलेक्ट करना, फॉन्ट के ऊपर में क्लिक करना और यहाँ से आप लोग को एक फॉन्ट मिलेगा जिसका नाम है, यहाँ से मैं बता देता हूँ आप लोग को, ये वाला मिलेगा चिक्की रैबिट, ये वाला फॉन्ट आप लोग इसके अंदर इम्पोर्ट ऐड कर लेना। ऐड करना मैं बताता हूँ, फॉन्ट के ऊपर में जाना, व्यू ऑल पेज ऊपर में जाना, 3 लाइन पर जाना और यहाँ से इम्पोर्ट फॉन्ट कर लेना। इम्पोर्ट फॉन्ट कर लेने के बाद आप लोग को यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जिस भी फोल्डर में आपने डाउनलोड किया, मतलब डाउनलोड के अंदर आया होगा, तो आप लोग को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, उसके ऊपर में टैप करके और ऊपर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप लोग यहाँ से सर्च पे टैप करके यहाँ से वो वाला फॉन्ट ले सकते हो। तो यहाँ से देख सकते हो ये वाला फॉन्ट है चिक्की रैबिट, तो ये वाला फॉन्ट इस तरीके से ले लेना। तो उसके बाद आप लोग लिरिक्स देख लेना आपको कहाँ पर रखनी है और कितनी बड़ी साइज़ रखनी है, और जो भी है लिरिक्स का हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल में रख देना। उसके बाद इसके अंदर में जो भी आप लोगों को इफेक्ट लगाना बताता हूँ वो आप लोग, यहाँ से वीडियो बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए मैंने फुल प्रोजेक्ट दे दिया। बैक आ जाना, बैक आने के बाद आप लोग को यहाँ से मेरा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आना है, तो ये वाला प्रोजेक्ट मिलेगा आप लोग को। उसके बाद लिरिक्स के ऊपर में जाना, लिरिक्स के ऊपर में जाने के बाद एडिट इफेक्ट में जाना, सॉरी 3 डॉट पर जाना और यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना। कॉपी इफेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से बैक आना, बैक आने के बाद यहाँ से आपने जिस भी फोल्डर में, सॉरी जिस भी प्रोजेक्ट में अपन वर्क करें उसके अंदर आना। इसके अंदर आने के बाद यहाँ से इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना, तो कुछ इस तरीके से आएगा, ये देख सकते हो। टेक्स्ट स्पेसिंग मतलब कि ये
हो चुका है। उसके बाद इसके अंदर स्पेसिंग ऐड हो चुकी है। उसके बाद फिर से बैक आना, बैक आने के बाद आप लोग को फिर से प्रोजेक्ट के अंदर आना। प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद यहाँ से आप लोग को इसके ऊपर में जाना, इफेक्ट में जाना और यहाँ से सभी इफेक्ट कॉपी कर लेना। तो कॉपी इफेक्ट कर लेना, वो वाला प्रोजेक्ट मैंने बनाया था और ये वाला आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद आपको इसके अंदर आ जाना, इसके अंदर आने बाद लेयर के ऊपर में आना, इफेक्ट में आना है, थ्री डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। तो टेक्स्ट स्पेसिंग वाला यहाँ से देख लेना, अगर दो आ चुका है तो इसको एक को डिलीट कर लेना। कुछ इस टाइप से आ जाएगा, देख सकते हो कंप्लीट कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेयर के लिए आप लोग को प्लस पर टैप करना है और यहाँ से डुप्लीकेट लेयर कर देना। डुप्लीकेट लेयर कर देने के बाद यहाँ से आगे कर लेना। आगे कर लेने के बाद आप लोग के सॉन्ग की जो भी नेक्स्ट लिरिक्स आएगी, वो नेक्स्ट लिरिक्स आप लोग को इसके ऊपर में जाना और डबल ए पे जाना है और यहाँ से एडिट करके डाल लेनी। उसके बाद फिर से बैक आ जाना। फिर से बैक आने के बाद आप लोगों को उसी प्रोजेक्ट के अंदर आना। प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद इस बार आप लोग को क्या कर लेना, ये वाली दो कलर ग्रेडिंग लेयर मिलेगी। तो सिंपली इन तीनों को सेलेक्ट कर लेना क्योंकि बार बार कॉपी करने आना पड़ेगा। तो कॉपी थ्री लेयर कर देना आप लोग यहाँ से, बैक आ जाना। बैक आने के बाद सबसे पहले कलर ग्रेडिंग ऐड करनी है प्रोजेक्ट के लिए। तो आप लोग इसके अंदर ना प्लस पे टैप करना और यहाँ से पेस्ट थ्री लेयर कर देना। देख सकते हो एकदम अच्छे से कलर ग्रेडिंग हो चुकी है। और उसके बाद फर्स्ट में बीट आएगी तो इस वाली लेयर के ऊपर में आना है, प्लस पे आना है, डुप्लीकेट लेयर कर देना। फर्स्ट में दो तीन बीट मार्क बीट आएगी तो आप लोग उसको इस तरीके से यहाँ पे सुनना पड़ेगा। पहले आपको सॉन्ग को सुन के इस तरीके से आप लोग लगा सकते हो। अगर आप लोग को फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। इस तरीके से आएगी। उसके बाद यहाँ से देख सकते हो कलर ग्रेडिंग होने के बाद आप लोग का और भी अच्छा लगेगा ये सब। उसके बाद लास्ट तक आप लोग देख लेना कहाँ तक रखनी। उसके बाद इस टाइप से आप लोग कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट लेयर कर देना, इसके ऊपर में जाना और यहाँ से फिर से डुप्लीकेट लेयर कर देना और आगे सॉन्ग के अकॉर्डिंग पेस्ट कर लेना। अपना चैनल आईडी कोई भी नेम ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए प्लस पर टैप करना है, डबल ए पे जाना और यहाँ से चैनल नेम या इंस्टा आईडी टाइप कर लेनी। उसके बाद इस वीडियो को आप सेव कैसे करोगे, तो सेव कर लेने के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है। सिंपली यहाँ से आप लोग को ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से ऊपर एरो पर टैप कर देना और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना। अगर वीडियो की एडिटिंग पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे न्यू वीडियो के एडिटिंग के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।